ड्यूटी ज्वाइन करने और आंदोलन पर साक्षी का ट्वीट। आंदोलन से हटने की खबर को साक्षी मलिक ने बताया गलत। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ट्वीटर के जरिए साक्षी ने कहा, सत्याग्रह के साथ रेलवे की जिम्मेदारी जारी रहेगी। साक्षी मलिक ने आगे कहा, हमने अमित शाह से मुलाकात की। शाह से मुलाकात एक सामान्य बातचीत थी। साक्षी आगे बोली, हमारी एक ही मांग है कि बृजभूषण गिरफ्तार हो। मैं विरोध से पीछे नहीं हटी हूं। मीडिया की बातचीत में साक्षी मलिक ने कहा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता विरोध करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। नाबालिग लड़की ने प्राथमिकी वापस नहीं ली है। अफवाहों पर पहलवान बजरंग पुनिया का ट्वीट, कहा आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह है। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसकेएम का देशव्यापी प्रदर्शन। शहरों और गांवों में निकालेंगे कैंडल मार्च। दिल्ली बॉर्डर को सील करने की दी चेतावनी। नाबालिग पहलवान ने दोबारा बयान दर्ज करवाया। 164 के तहत दोबारा दर्ज करवाया अपना स्टेटमेंट। 164 के बयान के आधार पर ही लगा था पॉक्सो। दोबारा बयान में पीड़िता के आरोपों से पलटने के कयास। गंगा नदी पर बन रहे पुल के दूसरी बार गिरने के बाद सियासत तेज। नीतीश कुमार ने कहा, ठीक नहीं बन रहा था इसलिए पुल गिरा। हादसे की गंभीरता से जांच होगी। सीएम नीतीश कुमार बोले, हादसे के तुरंत बाद जांच के आदेश दिए। विभाग के लोगों को कार्रवाई के लिए कहा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होकर रहेगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निर्माणाधीन पुल के डिजाइन पर उठाए सवाल। कहा, पुल को गिरना ही था। कल बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल धराशायी हुआ। शाहनवाज हुसैन ने कहा, भ्रष्टाचार के बोझ तले दबा था पुल। जो पुल अपना वजन नहीं झेल पा रहा वो ट्रैफिक का बोझ कैसे बर्दाश्त करेगा। 12 जून को नहीं होगी विपक्षी नेताओं की बैठक। विपक्षी नेताओं की बैठक पर बोले नीतीश कुमार ने कहा, बैठक में सभी पार्टी के अध्यक्ष शामिल हों। बालासोर में रेल हद दुर्घटना के बाद प्रभावित पटरियों पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही फिर से हुई बहाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल हादसे की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। बालासोर हादसे पर खड़गे ने उठाए सवाल। पीएम को कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखी चिट्ठी, रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों। रेलवे में खाली पड़े पदों को भरने की मांग। सीबीआई जांच की मांग पर भी उठाए सवाल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाने का काम करते हैं, हमारा काम मोहब्बत फैलाना है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मन की बात नहीं करूंगा। इस समय देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई छिड़ी है, एक तरफ गांधी तो दूसरी ओर गोडसे। मुख्तार अंसारी दोषी करार। अब देश राय हत्याकांड में दोषी करार। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, मुख्तार अंसारी को हुई उम्र कैद। 31 साल बाद आया हत्याकांड पर फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट से सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। घर या अस्पताल में पत्नी से मिल सकते हैं सिसोदिया। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में ही मिल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से सिसोदिया को राहत। एयरपोर्ट पर अभिषेक बैनर्जी की पत्नी को रोका गया। रुजिरा बैनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर रोका गया। रुजिरा बैनर्जी को दुबई जाने से रोका गया। इमिग्रेशन ने रुजिरा और उनके दोनों बच्चों को रोका। आपको बता दें कि कोयला घोटाले में आरोपी हैं रुजिरा बैनर्जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म। बैठक में रक्षा संबंधी कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली में त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ओडिशा के बारगढ़ में मालगाड़ी पटरी से उतरी। बारगढ़ में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। की तरफ से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के अटारी में रोका और मार गिराया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से 3.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। हैदराबाद में 10 साल के नहीं रहे महाभारत के शकुनी गूफी पेंटर। 78 साल की उम्र में हुआ निधन। एक हफ्ते से अस्पताल में चल रहा था इलाज।